दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर, एक बार फिर से हम आपके लिए 9 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल फीमेल बहुत अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 9 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। यहाँ दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेकेंड एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की। टोटल वैकेंसीज 15,508 है, इसमें TGT के 12,913 पद है जबकि PGT के लिए 2,595 पद है। मेल फीमेल बोथ के लिए वैकेंसीज निकली है। सैलरी TGT के लिए 44,900 से 1,42,400 है लेवल 7 के अंतर्गत। PGT के लिए 47,600 से 1,51,100 है लेवल 8 के अंतर्गत। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 21 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क की वहीं बात की जाए तो TGT पोस्ट के लिए जनरल OBC के लिए ₹750 है, SC EWS के लिए 450 है, ST के लिए 250 है। PGT के लिए जनरल या OBC के लिए 750, EWS के लिए 650, SC के लिए 450 और ST के लिए ₹250 है। पेमेंट आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है upscssb.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन और फीस पेमेंट की स्टार्टिंग डेट 29 अक्टूबर 2020 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की पार्ट वन के लिए और फीस पेमेंट के लिए 27 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट पार्ट सेकंड के लिए 30 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS के अंतर्गत बड़ी भर्ती है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की पोस्ट यहाँ पर निकली है, जिसके अंतर्गत IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR या पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है। वेरियस वैकेंसीज है जो कि अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। सैलरी 14,500 से 25,700 पर माह के लिए है। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट BE BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है। जनरल OBC EWS के लिए ₹850 आवेदन शुल्क है, SC ST PWD के लिए ₹175 शुल्क है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। IBPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 2 नवंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 नवंबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 23 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन की डेट 26 और 27 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की डेट 24 जनवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कोंकण रेलवे में, टेक्नीशियन की पोस्ट है। वेरियस वैकेंसीज है, 35,000 सैलरी पर माह के लिए है। 12th प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क जमा नहीं करना होगा, एग्जाम से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। konkanrailway.com पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 28 अक्टूबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में, BDL के अंतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की भर्ती है। 119 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 जबकि टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो।
अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी, शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। bdl-india.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट 2 नवंबर 2020 है। नट पोर्टल द्वारा लास्ट डेट 18 नवंबर 2020 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन BDL के द्वारा लास्ट डेट 20 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च में, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत ये भर्ती है। CIMFR के अंतर्गत टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। वेरियस वैकेंसीज है, सैलरी 44,900 लेवल 7 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। BBTech से आप अप्लाई कर सकते हो। 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 100 रुपये शुल्क है। SST PWD या वोमेन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। पेमेंट आप SBI पेमेंट से गेटवे से कर सकते हो। सिलेक्शन ट्रेड टेस्ट या रिटर्न टेस्ट से किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। CIMFR.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 2 दिसंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO या मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP की। 115 वैकेंसीज है। सैलरी 25,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। GNM या BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क जमा नहीं करना होगा। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। UKHF है, WS.org पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नैनीताल बैंक में। पोस्ट है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 15,000 से 20,000 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये शुल्क है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई आप कर सकते हो। nainitalbank.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 23 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पश्चिम बंगाल सोसाइटी फॉर स्किल डेवलपमेंट में। पोस्ट है इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्लॉक लेवल स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, सब डिविजनल प्रोजेक्ट मैनेजर की। 162 वैकेंसीज है। सैलरी 11,000, 12,000, 20,000 और 25,000 अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट BCA MCA पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 23 से 44 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू से किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। pbssd.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 9th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत लेक्चरर की पोस्ट है। 571 वैकेंसीज है। सैलरी 47,600 से 151,100 है, लेवल 8 के अंतर्गत। योग्यता की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, BEd और LT डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 176.55 रुपये शुल्क है। SST के लिए जो उत्तराखंड ओनली, इनके लिए 86.55, PH के लिए 26.55 रुपये है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ukpsc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती की डेट एक्सटेंडेड हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की और फीस पेमेंट की 1 नवंबर थी, उसको बढ़ाकर 30 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी की सेंड करने की लास्ट डेट 16 नवंबर थी, उसको भी बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टेक से यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है, ये 15 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 31 अक्टूबर 2020 की टॉप 9 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं, आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं, आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।